नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ रचा सिंह। क्या आपने कभी सुना है कि 40 कुमारी लड़कियां एक साथ गर्भवती हो गई हों? जी हां, आपको भी सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आंगनबाड़ी कर्मचारियों की लापरवाही का एक हैरान कर देने वाला ऐसा मामला सामने आया जिसे जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। बता दें, सरकारी रिकॉर्ड में 40 कुमारी लड़कियों को गर्भवती बता दिया गया। कुमारी लड़कियों के पास गर्भवती होने या उनके बच्चे के रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया है। उन्हें बधाई के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी गई है। मैसेज पाने वाली लड़कियों ने जब शिकायत की तो इसकी जांच हुई, जिसके बाद एक्शन लिया गया। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पूरा मामला वाराणसी के मलहिया गांव का है। यहां महिला व बाल विकास मंत्रालय की ओर से 40 कुमारी लड़कियों को गर्भवती घोषित कर दिया गया। इन लड़कियों को मंत्रालय की तरफ से बाकायदा डिटेल मैसेज किया गया था। उन्हें बताया गया कि पोषण ट्रैकर में उनका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब वो आंगनबाड़ी केंद्र से विभिन्न सेवाएं ले सकती है। आपको बता दें कि महिलाओं के पास आए मैसेज में लिखा था, बधाई हो, आपका बच्चा पोषण ट्रैकर में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है। आप होम विजिट माध्यम से स्तनपान पर परामर्श, वृद्धि माँ स्वास्थ्य, रेफरल सेवाएं और टीकाकरण जैसी सेवाओं का लाभ आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उठा सकती हैं। अधिक जानकारी या सहायता के लिए 1-4-4-0-8 पर कॉल करें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। वही रमना गांव के ग्राम प्रधान अमित पटेल ने इस बारे में मोबाइल पर आए इस मैसेज को देखकर लड़कियों और उनके परिवारों में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे इस तरह का मैसेज 30-40 लड़कियों के मोबाइल फोन पर आ गया, जिसके बाद ग्राम प्रधान के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की गई। इसके बाद इस मामले की जांच शुरू की गई, जहां जांच में पाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गलती के कारण ये मैसेज 40 लड़कियों को भेज दिया गया था। वहीं इसको लेकर वाराणसी के CDO हिमांशु नागपाल ने कहा कि समरी रिवीजन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 18 के हो चुके बालक बालिकाओं का आधार कार्ड लेती है और उनका वोटर रजिस्ट्रेशन कराती है। ये दोनों काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है। जांच में पाया गया कि ये दोनों फॉर्म भूल से मिक्स हो गए और जिन किशोरियों का पंजीकरण वोटर के लिए करना था उनका पुष्टाहार में हो गया। इसके बाद 40 लड़कियों को गर्भवती महिलाओं को मैसेज मिला। शिकायत मिलने के पहले ही पोर्टल से गलत जानकारी हटा दी गई। ये भी चेक कराया गया कि इन बालिकाओं के नाम से कोई पुष्टाहार तो जारी नहीं हुआ है। जो नहीं निकाला गया था ये गलती मानवीय भूल से हुई। एक बार और पुष्टि के लिए DPO को मिनी रिपोर्ट में पुष्टि कराई जा रही है। गलती के बाबत नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन ये घटना मानवीय भूल के तौर पर सामने आई। वहीं अभी तक कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये सेवा गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए होती है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने एक मानवीय भूल के कारण वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए पंजीकरण कर रही युवतियों का पुष्टाहार में पंजीकरण कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि इन लड़कियों को ये मैसेज मिला कि वे गर्भवती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बाद में स्वीकार किया कि ये एक गलती थी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।